हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई गाइस कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी सुबह का बज रहा है गाइस 7:30। और इधर देखो मेरी वाइफ सरसों भाजी धो रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज सरसों का सब्जी बनेगा मेरे घर में। तो इधर देखो सरसों भाजी, इसको एक ही बार धोगी? नहीं, दो तीन बार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बालू रहता है ना। चलो धो फटाक से। और मैं जा रहा हूँ गाइस काम करने के लिए। सबसे पहले मेरे को जा रहा है दाल पीसना है। क्या चीज़ का? उर्दा का दाल पीसना है। आज बड़ी बनाना है, भूरा जो होता है ना, जिसका पेठा बनता है, तो उसका आज बड़ी बनाना है, बड़ी। तो चलिए पहले दाल पीसने जा रहा हूँ मैं, इसके बाद और कुछ काम करते हैं। तो ये है मिक्सर, और मिक्सर को पहले हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो इस जार को पहले धो करके लाते हैं, ले इसको धुला करके लाना ना। तो ये चाची से उसको बोलना कि धो धो के दो उसको। अरे रहा उड़द का दाल, तो इसको अच्छे तरीके से धो करके रखे हैं। अरे हाँ यार, ये तो साफ है, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस ये देखिए, फाइनली पूरा पीस लिया मैं उड़द का दाल। अब इसमें बड़ी बनाएंगे, जो होता है ना भूरा, उसके साथ मिक्स कर। लाइट गोल हो गया था ना, इसलिए यहाँ पर मेरे को इसको पीसना पड़ा। वहाँ उस रूम में लाइट चला गया। और इधर ही देखो गाइस, मेरा बेटू बिस्किट खा रहा है। क्या कर रहा है बेटू? क्या कर रहा है? बिस्किट खा रहा है। बिस्किट खा रहा है मेरे बेटू। चलो खाओ। ये देखिए गाइस, ये होता है भूरा, इसी से बनता है बड़ी। और ये देखिए गाइस, जो उर्दा का दाल मैं पीसा था ना मिक्सर से, उसको देखो इसमें मिक्स कर रही है। और इसको मिक्स करके गाइस इसको लड्डू जैसा आकार बनाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी बन जाता है। इसके बाद धूप में सुखाते हैं। चलिए दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको बनाते हैं। और गाइस ये देखिए, इधर आ गया हूँ मैं अभी क्यारी काटने के लिए, आलू लगाने के लिए। देखिए यहाँ पर महेश है और इधर शंकर है, तो तीनों लोग हम लोग मिल करके गाइस यहाँ पर बना रहे हैं। ये देखिए से काम करवा रहे हैं, लेकिन नाश्ता तक भी नहीं दिया है अभी तक। अभी इन लोग को पूरा नाश्ता वास्ता सब कुछ मुर्गा बनवा रहा हूँ इन लोग के लिए। ये देखिए पूरा क्यारी कट के रेडी हो गया है, इतना बाकी है। इसके बाद हमारा प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस इसको फटाफट पूरा बना लेते हैं। अरे लोग ये देखिए एकदम मजा ले रहे हैं गाना के साथ साथ। और गाइस आलू के लिए पूरा क्यारी बना करके कंप्लीट हो गया हम लोग का, मतलब और भी बनाना है, अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो जितना आलू के बीज था ना, जिसका बीज सड़ जा रहा था, उसके लिए पूरा कंप्लीट हो गया, कल लगा करके ख़त्म करना है। और चलिए दिखाता हूँ मेरी माँ बड़ी कैसे बनाई है, जो हो रहा था ना प्रोसेस घर में बड़ी बनाने का। गाइस हमारे नए घर के छत पर बड़ी बना करके पूरा कंप्लीट हो गया है। ये सूखेगा, और ये अगर धूप नहीं पड़ता है ना इसको, तो इसमें फफूंद आ जाता है और ख़राब हो जाता है। गाइस नहा धो लिया मैं, पूरा काम कंप्लीट करके खाना खा के अपने रूम पे बैठा हूँ। और यार अपना YT स्टूडियो चेक कर रहा था मैं, ठीक है। तो अपना YT स्टूडियो चेक कर रहा था, तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि साले तू गरीब है, गांव का है, तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसा गाइस किस किताब में और किस इतिहास में लिखा है, आप लोग बताओ मुझे। हालांकि वो मेरा हेटर्स होगा, या फिर मैं इतना बड़ा यूट्यूबर्स नहीं हूँ कि मेरा कोई हेटर्स बन जाए, या फिर कोई मेरा दुश्मन होगा समझ लो, तो ऐसा कमेंट किया होगा वो, उसको वीडियो दिखा होगा। तो ऐसा कमेंट क्यों करते हो यार, ये बताओ। अगर जा रहा होगा वीडियो हेटर्स लोगों के पास, तो बताओ कि ऐसा कमेंट क्यों करते हो कि साले तू गरीब है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तेरे पास कंटेंट नहीं है, तेरा गाँव को कौन देखेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, देखो मेहनत करूँगा ना तो आगे ज़रूर बढ़ूँगा। ऐसा किसी इतिहास में, किसी महाकाव्य, किसी गीता, किसी रामायण, किसी धर्म में, किसी में भी नहीं लिखा है कि अगर तू मेहनत करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर मेहनत करूँगा तो आगे बढ़ूँगा।
लेकिन ऐसा कमेंट करके ना डीमोटिवेट मत करो यार। गांव से हैं तो गांव से रिलेटेड वीडियोस दिखाएंगे, हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमारा डेली लाइफ स्टाइल जो गांव में हमारा जो भी है वही ना दिखाएंगे, और क्या दिखाएंगे, ब्लॉग क्या होता है बताओ आप। तो डीमोटिवेशन पैदा मत करो हमारे अंदर, हम लोग जो कर रहे हैं करने दो, तुम अपना काम करो। और जिन जिन लोगों को दिक्कत होता है यार वो लोग क्या बताऊं मैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। अगर हम गांव से हैं तो हमारा सपोर्ट करो यार, ताकि हम लोग और थोड़ा सा आगे जा सकें और लोग देख करके मोटिवेट हों कि गांव का लड़का था, मेहनत किया तो आगे गया। तो अगर आप लोग नीचे दबाओगे हमें तो हम लोग कहाँ से आगे उठ पाएंगे, वही बताइए। तो यही सब बात होता है यार, छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाती हैं। लेकिन मैं को ऐसा नहीं कि ये कान से मैं सुना निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कमेंट कौन किया था गाइस, इसका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, ब्लर कर दिया हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। मैं किसी को क्या टारगेट करूँगा यार, चाहे कोई भी हो तुम भाई, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है या फिर किसी से भी कोई मतलब नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। और नहीं अच्छा लगता होगा तो मत देखो यार, जबरदस्ती वाली बात थोड़ी ना है। क्यों क्या गाइस, गलत बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे किसी को डिमोटिवेट मत करो, किसी को ऐसे मत बोलो यार। हमारा जो भी है वो भी रियल चीज़ दिखा रहे हैं, कोई गलत नहीं दिखा रहे हैं, जो भी करते हैं जो भी होता है साफ दिखा रहे हैं भाई, बस यही होता है हमारा ब्लॉग में। और भाई हम लोग शहर में तो रहते नहीं हैं कि भाई शहर में हम लोग ये दिखाएं कि ये खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, डोमिनोज जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। गाँव का लाइफ ऐसा कहाँ होता है यार, गाँव का लाइफ तो ये होता है कि सुबह उठो, काम करो, जो भी है कुछ खाओ, काम करो दिन भर, इसके बाद फिर शाम को आओ, फिर खाओ, सो जाओ, बस यही होता है गांव का लाइफ। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कमेंट से, बस मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया, आज की वीडियो इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग बनाना बंद नहीं करूँगा, चाहे कोई कुछ भी कमेंट करे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना, और गाइस अगर अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो यार, ताकि गांव का लड़का भी आगे जा सके। और नीचे दबाना चाहते होंगे तो जो लोग सब्सक्राइब किए हैं अनसब्सक्राइब कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस उस बंदे का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में, क्या है ना ब्लर कर दिया हूँ वहाँ पर, और वो पता नहीं क्यों वीडियो अपना कमेंट को डिलीट कर दिया। चलिए कोई नहीं यार, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है।